दिल्ली से। जहां दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में पानी से भरे गड्ढे में ऑटो गिर गया और जिसमें ऑटो ड्राइवर की जान चली गई। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है। जहां यह हादसा हुआ वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यह गड्ढा बना था और ऑटो वाले को पता नहीं चला क्योंकि ये पानी से तब लबालब था और ऑटो इसी में समा गया और ड्राइवर की जान चली गई। तो एक तरफ देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, गुजरात से लेकर बिहार, नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में भी झमाझम बारिश हुई, लेकिन किस तरह से एक शख्स की जान चली गई ऑटो ड्राइवर की इसी गड्ढे में। अब जैसे ये तालाब जैसा लग रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम बताया जा रहा है। अब इसी में बारिश की वजह से गड्ढा भर गया था पानी से और इसमें ऑटो जा समाया और गड्ढे में गिरने से ऑटो ड्राइवर की जान चली गई। राजधानी दिल्ली के हर्षविहार इलाके में सिस्टम की लापरवाही के चलते 51 साल के अजीत शर्मा की कल मौत हो गई। दरअसल अजीत शर्मा जो कि नंद नगरी से हर्षविहार की तरफ ऑटो लेकर के जा रहे थे, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरीके से यहां पर जो पानी है वो सड़क के जो सर्विस रोड है उस पर भरा हुआ है। दरअसल यहां पर पीडब्ल्यूडी का जो फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य जो है वो चल रहा था, लेकिन ये जो आप चारों तरफ देखेंगे कि किस तरीके से बैरिगेड्स जो है वो यहाँ पे किए गए ताकि आगे जाने का रास्ता को जो है वो बंद कर रखा है। लेकिन कल जब अजीत यहाँ से होकर के गुजर रहे थे उस वक्त यहाँ पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो बैरिगेड से वो नहीं थे। अजीत जो है वो अपना ऑटो लेकर के आगे की तरफ आए, जैसे वो आगे की तरफ ऑटो लेकर के आए तो उनके ऑटो का जो पहिया है वो पानी के अंदर फंस गया। उसको निकालने की कोशिश करने के लिए जैसे ही अजीत शर्मा आगे की तरफ बढ़े तो वो इस पूरे गड्ढे के अंदर फंस गए, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जब आसपास के लोग यहां पहुंचे उन्होंने ऑटो को फंसा देखा, उसके बाद पुलिस को कॉल की गई, फायर ब्रिगेड की टीम आई, जिसके बाद अजीत शर्मा को जो है वो बाहर निकाला गया। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए पिछले 5 से 6 दिन के अंदर सिस्टम की लापरवाही के चलते 2 लोगों की जान जो है वो चली गई है। चारों ओर देखेंगे कि बारिश का पानी जो है वो जमा हुआ है। हालांकि जब अजीत यहाँ पर पहुंचे थे उनका ऑटो फंसा था तो पानी से पूरी रोड जो है वो लबालब थी। उनको लगा कि सिर्फ पानी ही जो है वो थोड़ी ही गहराई क्या है, लेकिन जब वो अंदर घुसे तो वो पूरी तरीके से डूब गए, जिसके कारण उनकी जान चली गई। लेकिन दिल्ली के पिछले दिनों जिस तरीके से नई दिल्ली स्टेशन में करंट लगने से 35 साल की साक्षी की जान चली गई और उसके बाद अब 51 साल के अजीत शर्मा की जान जिस तरीके से गई है वो साफ बयान करता है कि किस तरीके से सिस्टम की एक लापरवाही लोगों की दिल्ली के अंदर जान ले रही है। कैमरा पर्सन राजा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।